अपने बेबी के लिए ऐसा कोई बेबी फूड ना बनाएं। ऐसा बेबी फूड जब आप बनाएंगे ना जो कि आपके बेबी को पसंद नहीं है, खाने के बाद बेबी का मुंह का टेस्ट ही ख़राब हो रहा है, तो ऐसा सॉलिड बेबी फिर खाएगा ही नहीं आपके हैंड से। ऐसी कोई चीज़ बनाएं जो कि आपका बेबी खाए और प्यार से खाए। तो आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी बेबी फूड रेसिपी शेयर करी हूँ जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट है, बहुत मज़े का है, ब्रांड अवेलेबल, हेल्दी फूड है और वेट गेनिंग फूड है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, क्या है, क्या फदियत है और कैसे बनाएंगे जो कि हमारे बेबी शौक से खाए। रफली अपना फूड शेयर कर रही हूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हम मदर्स का ये जो मसला है, कॉमन मसला, मैंने कई दफ़ा चेक किया कि मॉम्स बनाती तो बेबी फूड है लेकिन बेबीज़ कहते फिर खाते ही नहीं हैं। तो ऐसी कोई चीज़ बनाएं जिसमें मैंने ऐसी चीज़ें यूज़ किए, खाएंगे भी बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ हम अपने बेबी के लिए अगर फ्रूट प्योरी बना रहे हैं ना, फ्रूट प्योरी बना रहे हैं, तो अगर हम एप्पल ले रहे हैं तो एप्पल मीठा वाला हो, पक्का एप्पल हो। दूसरी चीज़, एप्पल का छिलका रिमूव किया करें, इस तरीके से बनाएं कि एप्पल का छिलका रिमूव किया करें ताकि वो जो है वो बेबी को पसंद आए। मेन शर्त ये हो गई। अब बेबीज़ के लिए एप्पल के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। एप्पल जो है हर बेबी को डेली प्योरी फॉर्म में दिया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करते हैं, एप्पल को जब पील हटाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा पानी में उसको बॉयल ज़रूर करते हैं छोटे बच्चों के लिए ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। फिर भी अगर आप बॉयल ना भी करें तब भी इसको अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा फिर बेहतर यह है छान लें। अच्छा, कुछ नट्स मिलाएंगे इसमें, एक दो काजू मिलाएं, थोड़े से किशमिश मिलाएं, कुछ बादाम की सीड्स मिलाएं और साथ ही वॉलनट मिलाएं। नट्स अपने हिसाब में से मिला लीजिए, लेकिन किशमिश या किशमिश की जगह सॉफ्ट खजूर, इन दो में से किसी एक चीज़ का एडिशन मस्ट करें। बीबीज में आजकल चूँकि आयरन डिफिशेंसी का लेवल बहुत बढ़ रहा है, वो कवर करती है बीबी की हेल्दी ग्रोथ होती है और हेल्दी वेट गेन भी होती है। ये सारी चीज़ें आपकी बीबी की प्यूरी में अगर हो तो क्या ही बात है, आपको किसी भी सैरल या किसी दूसरे ब्रांड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये चीज़ें काफ़ी होती हैं आपकी बेबी के लिए। थोड़ा सा कुक करें और कुक करने के बाद आप इसको जस्ट सॉफ्ट हो जाए तो उतार दें। यहाँ पे एक बात बता दो, ये चीज़ें जो होती हैं हल्का सा कुक इसलिए हम करते हैं कि जस्ट सॉफ्ट हो जाए और सॉफ्ट प्यूरी बन जाए। समटाइम्स क्या होता है, छोटे बच्चा होता है उसको थोड़ा सा भी कुछ पस जाए ना तो डायरेक्ट सारी की सारी उल्टी कर देता है, इवन के जो दूध भी पिया है ना वो भी उल्टी कर देता है। इसलिए हम थोड़ा सा इसको कुक करते हैं ताकि वो प्यूरी ऐसे सॉफ्ट बने कि बेबी को पसंद आए। अच्छा, इसके बाद सिर्फ इन्हीं चीज़ों की भी प्यूरी बना सकते हैं, जस्ट पानी में या दूध में या फार्मूला मिल्क डाल के भी, मतलब थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा फार्मूला मिल्क 1 स्पून डाल के, या फिर घर का दूध डाल के, या फिर हाफ़ बनाना डाल के वेट गेनिंग की भी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है इसमें, और साथ ही साथ स्वीटनेस भी मज़ीद आ जाती है और साथ ही प्यूरी जो है वो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। इसलिए ये चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें अगर आपके पास एवरी टाइम अवेलेबल तो हर घर में होती है, तो ये सिंपल सी चीज़ें लेके इनकी प्यूरी बनाए। अब प्यूरी बनाने के लिए जो सबसे रिचेस्ट फॉर्म है, रिचेस्ट फॉर्म मैं आपको बताऊं क्या है, बिल्कुल सेफ फॉर्म आपको बताऊं, प्यूरी बनाने के लिए हल्का सा इसमें दूध का एडिशन किया करें। दूध जो होता है नेचुरल मिल्क आपके घर का अवेलेबल होना, वो दूध हल्का सा प्यूरी में बहुत ज़्यादा इसको रिचनेस देता है। लेकिन अगर दूध नहीं है या दूध आप नहीं देना चाहते, आपको किसी वजह से प्रॉब्लम हो रही, तो आप हल्के सा इसमें पानी का एडिशन किया करें, साफ पानी का एडिशन करें, बस इतना सा डालें, इतना सा भरें कि आपकी गाढ़ी सी प्यूरी बन जाए, फिर इसको ग्राइंड करें और ये मज़े की प्यूरी बना दें। अब अपने बेबी के लिए ऐसा ही फूड आप बनाएं। बेबी क्या, ये जो फूड है आप बेबी को ब्रेकफास्ट में दें, बेबी को लंच में दें, डिनर में दें, 3 टाइम्स भी दे सकते हैं, ये हेल्दी है, इसमें कुछ भी ऐसा अनसेफ नहीं है जो आपकी बीबी को प्रॉब्लम दे, और आपका बीबी ऐसे शौक से गाएगा और ऐसे हेल्दी ग्रो करेगा कि आप सोच भी नहीं। मैं तो अपने बेबीज़ के लिए ऐसे ही करती हूँ, मेरे बेबीज़ के लिए किसी भी सैरल किसी भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल सेफली मैं घर पर यही बना देती हूँ। रिचेस्ट फूड है, आप भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।